हवा साहब उन लोगों के लिए आवाज थे जिनके पास जवान थी पर आवाज नहीं। वो उन लोगों के लिए ढाल बनकर सामने आए जो समाज के अभिन्न अंग थे पर समाज से उपेक्षित थे, जो समाज के लिए उपयोगी थे पर अपमानित थे। अब ढाल से काम नहीं चल रहा था, वो हथियार बन गए। उनकी कलम आग और उनके बोल तूफान ला रहे थे। जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देशहित में टकराव होगा, वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। भारतीय राजनीति में डॉक्टर साहब बहुत आगे निकल चुके थे। वो दलितों के मसीहा बन चुके थे। जिस गणतंत्र को आज हम खुशी खुशी मनाते हैं, वो देन है डॉक्टर साहब। जिन अधिकारों को आज हम हक समझते हैं, वो देन है डॉक्टर साहब। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर आज की पेशकश में बस इतना ही।